आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं, ये हैं नामी गिरामी। मार्च 1931 की बात है। देश में दो घटनाएं घटीं। पहली 23 मार्च को, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, और दूसरी 25 मार्च को, जब कानपुर में भड़के दंगों को एक पत्रकार ने केवल कलम के दम पर नहीं, बल्कि सशरीर सड़क पर उतर कर शांत करवाने की कोशिशें की, और अमृतलाल नागर के शब्दों में कहूं तो वो पत्रकार अपने ही घर में शहीद हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश नामी गिरामी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। देश में धर्म की धूम है और इसके नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। लोग धर्म का मर्म समझे बिना ही इसके नाम पर जान लेने या देने को तैयार हो जाते हैं। ये पंक्तियां गणेश शंकर विद्यार्थी के उस लेख का हिस्सा हैं जो उन्होंने साल 1924 में लिखा था। शीर्षक था धर्म की आड़। आप सोचिए, जो बात 1924 में लिखी गई उसमें करीब 96 साल बाद भी मात्रा भर कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। इसकी दो ही वजह हो सकती हैं, या तो धर्म के नाम पर देश जस का तस खड़ा है, या गणेश शंकर विद्यार्थी की जो पत्रकारिता को लेकर समझ थी और उनकी जो सामाजिक दृष्टि थी वो बगैर समझौता किए नजरों से धुआं हटाकर चीजों को स्पष्ट देखना जानती थी। इसीलिए साल 1925 में उन्होंने बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे पत्र में कहा था कि हिंदू मुसलमान झगड़े की मूल वजह मैं चुनाव को समझता हूं। गणेश शंकर विद्यार्थी हमेशा धार्मिक कट्टरता और उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का ज्ञान रखते थे। शुरुआत में उन्होंने उर्दू में कुछ लेख लिखे, इसके बाद पंडित सुंदरलाल की हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी में अपना योगदान देने लगे। धीरे धीरे उनके लेख अभ्युदय जैसे क्रांतिकारी अखबारों में छपने लगे। लेखन कार्य की वजह से उनकी पहचान बढ़ती चली गई। इसके बाद वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक के रूप में सरस्वती पत्रिका में नियुक्त हुए, और उसके बाद वो सरस्वती पत्रिका छोड़कर अभ्युदय में सहायक संपादक का पद संभालने लगे। लेकिन कहते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे अखबार को निकालना चाहते थे, ऐसे अखबार की योजना बना रहे थे जिसे जनता का अपना पत्र कहा जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साप्ताहिक प्रताप की नींव रखी और 9 नवंबर 1913 को प्रताप का पहला अंक निकला। अपने शुरुआती दिनों में ही इसकी पहचान किसानों के हमदर्द के रूप में बन गई थी, और किसान गणेश शंकर विद्यार्थी को सम्मान से प्रताप बाबा कहकर पुकारने लगे थे। रायबरेली में जब किसान आंदोलन पर जमींदारों अंग्रेजों ने गोली चलवाई तो प्रताप बाबा ने किसानों को संगठित किया, आवाज उठाई और प्रताप में लेख लिखा, डायर शाही, ओ डायर शाही। यानी आप देखिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता किन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अर्थों में अपनी पहचान बना रही थी। मीडिया विश्लेषक और लेखक विनीत कुमार कहते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक आंदोलन का एक टूल थी, औजार थी। उनके सामने जो ध्येय था वो बहुत साफ था कि गुलाम भारत को अंग्रेजों से सिर्फ आजाद नहीं कराना है, बल्कि इस देश के भीतर गुलामी के जो कई परतें हैं उन परतों को खत्म करना है। और जिसमें एक सबसे बड़ी परत थी जो सामाजिक ताने बाने उस समय जो है वो टूट रहे थे, जो इंसानियत जो है वो तेजी से खत्म हो रही थी, उसको बचाने की, उसको सहेजने की उन्होंने बड़ी शिद्दत से कोशिश की। इसलिए जब भी आप गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता को याद करेंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव उनकी पूरी पत्रकारिता के मूल में है, केंद्र में है, और वो सांप्रदायिकता के खिलाफ आखिर तक लड़ते रहे।
और मैं एक बात इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ, आमतौर पर होता यह है कि आज जब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ की पत्रकारिता की, तो इसका एक अलग ढंग का मजाक बनाया जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि जब हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो हम एक समुदाय के करीब हो रहे हैं और एक जो बहुसंख्यक समाज या समुदाय है उसके खिलाफ जा रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन दृष्टि और पत्रकारिता के केंद्र में ईश्वर के प्रति आस्था भी है, धर्म के प्रति आस्था भी है और परमात्मा शब्द भी है। और आज जो पत्रकारिता की जाती है, अगर कोई कहे कि मैं धार्मिक हूं, तो माना जाता है कि वो सेक्युलर नहीं हो सकता। विनीत कुमार जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, उसका अर्थ गणेश शंकर विद्यार्थी खूब समझते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को भी आड़े हाथ लिया और मुसलमानों पर भी प्रताप में सवाल उठाए, यहाँ तक कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को भी अपने अखबार में उन्होंने जगह दी। और इन सब के बीच उन्होंने पत्रकारिता से इतर उन लोगों के विश्वास को बचाए रखने का भी काम किया जिनका परमात्मा पर, ईश्वर पर भरोसा रहा। उन्होंने एक चिट्ठी अपनी पत्नी को लिखी थी, जिसे विनीत कुमार पढ़ते हुए कहते हैं कि धार्मिक होने के बावजूद खुद को सांप्रदायिक न होने देना ही गणेश शंकर विद्यार्थी को एक ऊंचे पाए का पत्रकार बनाता है। सुनिए चिट्ठी की पंक्तियां, ध्यान दीजिए कि मेरे परम प्यारी प्रकाश, कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, तुमने जो कुछ लिखा वह बिल्कुल ठीक है। माफी मांगने से अच्छा यह है कि मौत हो जाए। तुम विश्वास रखो कि मैं बेइज्जती का काम नहीं करूंगा। तुमने जो साहस दिलाया उसमें मेरे जी को बहुत बल मिला। मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत चिंता है, परंतु तुम्हारा हृदय कितना अच्छा और ऊंचा है और उससे मेरे मन को बहुत संतोष हो रहा है। ईश्वर तुम्हारे मन को दृढ़ रखे। अगर तुम दृढ़ रहोगे तो मेरा मन कभी न डिगेगा। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। इसी चिट्ठी की आखिरी पंक्ति यह है कि कल सुख के दिन भी आवेंगे, धर्म के लिए सहे जाने वाले कष्ट के दिनों के बाद जो दिन आवेंगे वे परमात्मा की कृपा से अच्छे सुख के दिन होंगे। तो देखिए, आज धर्म के नाम पर, आज ईश्वर के नाम पर, आज राम के नाम पर जो पत्रकारिता हो रही है, क्या वो इंसानियत के पक्ष में जाती है? इसलिए धार्मिक होने का जो आज पैमाना है और धार्मिक होने की जो घोषणा है, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि वो धार्मिक होने के बावजूद सांप्रदायिक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पर सवाल नहीं उठे। उस दौर में स्वतंत्रता सेनानियों पर खूब सवाल उठे थे और उन्होंने तो शुरुआत में क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होने के बाद गांधी को अपना नेता माना था। बावजूद इसके उन्होंने गांधी को भक्त होकर नहीं देखा। वो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और आलोचनाओं के शिकार भी हुए, लेकिन आलोचना का सम्मान करते हुए उनका कहना था कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें गुण और दोष नहीं है। जिस बात पर यहां गौर किया जाना चाहिए वो ये कि राजनीति में नेतृत्व संभालने के बावजूद गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी पत्रकारिता को राजनीति का मोहरा नहीं बनने दिया। अपने पत्रकारिता के प्रताप से जो उन्होंने आंदोलन चलाए, उसकी वजह से गणेश शंकर विद्यार्थी अपने जीवन काल में 5 बार जेल गए। जेल में उन्होंने विक्टर ह्यूगो के उपन्यासों का अनुवाद किया। आपको बताऊं कि युवाओं के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी का दफ्तर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम भी करता था, जहां पत्रकारिता के मूल्यों से लेकर संपादक की भूमिका तक पर विचार होता था और प्रताप में उसे छापा जाता था। कहने वाले कहते हैं कि ये उस दौर की जरूरत थी जब पत्रकारिता केवल और केवल एक मिशन हुआ करती थी, लेकिन आज उसे चलाने के लिए पूंजी लगानी पड़ती है और पूंजी देनी भी पड़ती है। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर किसी को जानना हो तो विनीत कुमार कहते हैं कि उसे 16 अगस्त 1947 का प्रताप अखबार उठाना चाहिए, जब प्रताप के पहले पन्ने पर भारत के आजाद होने की खबर भी थी और बेबी मलहम का विज्ञापन भी था। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जानते थे कि पत्रकारिता केवल मिशन नहीं है, व्यवसाय भी है। आज जब हम गणेश शंकर विद्यार्थी को याद कर रहे हैं, तो उन्हें याद करना इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने धार्मिक उन्माद यानी दंगों को रोकते हुए अपनी जान गंवाई थी, बल्कि इसलिए जरूरी है कि पत्रकारिता के जरिए आप किसके साथ खड़े होंगे, ये आपको गणेश शंकर विद्यार्थी सिखाते हैं। और इस पॉडकास्ट का अंत मैं प्रताप के पहले अंक में लिखी उन्हीं की बात से करूंगा कि हम राजा और प्रजा दोनों का साथ देंगे, परंतु अन्याय में
दोनों में से किसी का भी नहीं देंगे। जिस दिन हमारी आत्मा ऐसी हो जाए कि हम अपने प्यारे आदर्श से डिग जावें, जानबूझकर असत्य के पक्षपाती बनने की बेशर्मी करें और उदारता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को छोड़ देने की भीरुता दिखावें, हम चाहते हैं कि हमारी उस नैतिक मृत्यु के साथ हमारे जीवन का भी अंत हो जाए। तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज के इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अगले अंक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।